गाइस गुड मॉर्निंग। तो हम फाइनली अपने सेड इस्लाम होटल को पहुंच चुके हैं, जो कि देख सकते हैं हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं चाय नाश्ता की प्रयास हो रहे सभी गाइस की ओर। और तो सभी अपने ओर में बने हुए लगे हुए दिख सकते हैं आप। तो गाइस हमारा भी जो कि चाय नाश्ता फाइनली हो चुका है, जो कि हम अपनी सेट की ओर आप थोड़े से जा रहे, कहीं थोड़ी बड़ी बातें हैं कुछ लोगों के बीच, तो अपनी बातें को करतब करते हुए आप सभी को फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वीडियो में। तो फिर बने हुए रहिए वीडियो में। चैनल में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे की ओर दिखाने वाला हूँ आपको अच्छी से अच्छी चीज़ों को, जो कि अपने एक ही लक्ष्य है देखना और दिखाना। तो सभी गाइस को दिखाना चाहता हूँ और सब बने हुए रहिए। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ठंडी के मौसम शुरुआत हो गई है, तो देख सकते हैं आपकी जो है कि दिसंबर में हमारे बड़ा दिन आने वाले हैं, नया साल भी आने वाले हैं। तो सभी गाइस अपने खुली तैयारी में है कि कहाँ जाना है घूमने के लिए, कहाँ फिरने के लिए, सब अपने अपने प्रोग्राम के बीच में है। तो बने हुए सबको जरूरी है, बनना भी चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच होना चाहिए थोड़ा घूमने फिरने का भी आदत। और हर चीज़ तो शौक ही होती है, शौक से बड़ा कुछ नहीं होता। तो यही कहना चाहता हूँ गाइस कि आप लोग भी थोड़ा प्रयास कीजिए और चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो गाइस देख सकते हैं कि हम अपने सेंटोसा की ओर जा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं गाड़ी और लोगों के बीच जो कि दोस्त जा रही गाइस लोग भाई चचा दादा जिससे जो रिश्ते बनते हैं। तो फिर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब अपने ओर में जाने की, तो फिर सभी गाइस को छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने कार की ओर देखेंगे। और जस्ट में आज एक होटल का भी ओपनिंग है जो कि होने वाला है और पूजा पाठ चल रही है, तो तैयार है सभी अपने गाइस लगे हुए दिख सकते हैं और होनी चाहिए, जो कि हर किसी को रोजी रोटी दाना पानी तो अच्छी बात है, जो कि होना चाहिए। ये सब चीज़ें जरूरतमंद के लिए कहीं ना कहीं काम आते हैं, तो ये सब बरकरार रहनी चाहिए अपनी ओर में। तो फिर मिलते हैं गाइस। कहीं गाइस की देख सकते हैं आपकी ठंड का मौसम है, और हमारा दादाजी को भी देख सकते हैं कि दाढ़ी पक चुकी है, तो ठंड में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आप सुन लीजिए, मैं कहना सुनना चाहता और सुनाना चाहता है कि शानवाज के बीच की ठंड के मौसम में थोड़ा सा दिसंबर महीना, ये जो कि 23 का लास्ट है, जो कि और ज़्यादा नहीं 15 से 16 रोज बाकी है, जो अपने वार्ता करेंगे सभी गाइस, सभी बुजुर्ग, सभी बच्चे, सभी युवा अपनी ओर में। तो थोड़ा सा अपने शानवाज को भी हमने एक बयान आप लोगों के बीच दिलाना चाहता हूँ, जो कि ये भी थोड़ा बुजुर्ग शक्ति है, तो देखने पड़ते हैं कहीं ना कहीं लोगों के बीच ले करके काम करने पड़ते हैं। तो फिर सुन सकते हैं आप कि हमारे शानवाज का क्या बयान है, जो कि लास्ट ये ठंड की मौसम में आप लोगों के बीच मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हूँ। कहने का मतलब अभी ठंड का मौसम तो ख़त्म नहीं हुआ है, ठंड तो अभी शुरू हुआ है, और आने वाले समय में अपने घर में बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, उन्हें बचा के रखना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का सेवन करें, चाहे वो नहाते घड़ी हो चाहे वो पीते घड़ी हो, क्योंकि ठंड के वजह से अभी हार्ट ब्लॉकेज का भी प्रॉब्लम आदमी का साथ लगा हुआ है, और ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि पता होगा कि आपके सरकार आपके द्वार जो लग रहा है उसमें सभी वृद्धा विधवा गरीबों को कंबल भी दिया जा रहा है, ब्लॉक के तरफ से सहायता किया जा रहा है गरीबों को। और हम गोविंदपुर वासियों से कहना चाहेंगे कि आप भी लोगों को सहयोग करें ठंड में, चाहे वो लकड़ी से हो चाहे वो कंबल से हो, हर तरह का सहयोग करें। ठंड इस बार बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाला है, और सामान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक सब्सक्राइबर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, जय हिंद।